नमस्कार दोस्तों, मौसम के बदलने के साथ ही छुटपुट रोग इंसान को अक्सर घेर लेते हैं। यदि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो तो इन रोगों से बचाव किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भोजन में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करने से बढ़ती है, इसीलिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले भोजन का ही सेवन करना चाहिए। शकरकंद एक ऐसा भोजन है जिसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। शकरकंद की बहुत सारी किस्में दुनिया भर में आसानी से मिल जाती हैं, जिसे कच्चा और पकाकर दोनों रूपों में खाया जा सकता है। लाल रंग के शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो को उबालकर खाने से पहले भी ज़्यादा पोषक तत्व शरीर को मिल जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन भरपूर मात्रा में और विटामिन सी अल्प मात्रा में होता है। फाइव एलिमेंट्स हेल्थ एंड सोसाइटी के डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के अनुसार शकरकंद खाने में मीठा होता है। इसके सेवन से खून बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही ये काम शक्ति में भी इजाफा करता है। वजन बढ़ाने में लाभदायक। शकरकंद के अंदर बहुत मात्रा में स्टार्च होता है, साथ ही इसमें विटामिन, खनिज और कई तरह के प्रोटीन भी होते हैं। ये बहुत आसानी से पच भी जाता है और शरीर को ऊर्जा भी देता है, इसलिए यह वजन बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। किडनी, हार्ट बर्न, एसिडिटी और गठिया में सहायक। शकरकंद में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व आंतरिक और बाहरी सूजन जैसे हार्ट बर्न, एसिडिटी और गठिया के इलाज में सहायक होता है। ये सभी समस्याएं शकरकंद के नियमित इस्तेमाल से ठीक हो जाती हैं। गठिया की बीमारी यानी जोड़ों में दर्द होने पर शकरकंद को जिस पानी में उबाला है उसी पानी को जोड़ों पर लगाने से गठिया का दर्द कम हो जाता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम का करे समाधान। शकरकंद में मौजूद कैरोटीनाइड नामक तत्व खून में शक्कर की कमी को कम करता है, साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B6 डायबिटिक हार्ट डिजीज़ को कम करने में मदद करता है। जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उन्हें मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, परंतु यह डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर का स्तर हमेशा संतुलित रहता है। इसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन या चावल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। कब्ज़, एसिडिटी में बेहद असरदायक। स्वीट पोटैटो पेट और आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से पेट में अल्सर होने पर भी वह ठीक हो जाते हैं। शकरकंद खाने पर कब्ज़ और एसिडिटी की शिकायत नहीं रहती, अल्सर होने की संभावना भी कम हो जाती है। शकरकंद प्रदर रोग में लाभकारी होता है। प्रदर रोग होने पर शकरकंद को जिमीकंद के बराबर मात्रा में लेकर छाया में सुखाकर और पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को ताज़े पानी और शहद में मिलाकर सेवन करने से बहुत लाभ होता है। पानी की कमी को करता है कम। स्वीट पोटैटो के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती। शकरकंद शरीर में कोशिकाओं को अच्छे से काम करने और हाइड्रेट बनाए रखने में भी मदद करता है।
इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षण प्रणाली बढ़ाने में असरदार। आयरन शरीर में एनर्जी के स्तर को बढ़ाए रखने में मदद करता है और शकरकंद में आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा शकरकंद सफ़ेद और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सुधार करता है। सही मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह सब दूर हो जाती हैं। श्वास संबंधी रोगों को करता है दूर। नियमित रूप से एक शकरकंद का सेवन शरीर के लिए विटामिन ए की ज़रूरत का 90% पूरा कर फेफड़ों के रोगों को दूर करता है। फेफड़े में कफ जमा हुआ हो तो यह उसे निकालने में भी मदद करता है। पाचन में फायदेमंद। शकरकंद में फाइबर, मैग्नीशियम, स्टार्च होता है, इसलिए पचने में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं होती। यह पेट और आंतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दिल की धड़कन नियंत्रित करता है। यह किडनी के कार्यों को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने, मांसपेशियों में ऐंठनों को समाप्त करने, दिल की धड़कन और तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। कैंसर रोकने में असरदायक। शकरकंद में बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट आदि पदार्थ होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। जिन लोगों के गुर्दे खराब हैं उन्हें शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सेलेट और कैल्शियम ऑक्सेलेट मिलता है, जिसकी वजह से गुर्दे में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। सो दोस्तों, यह थी शकरकंद यानी शकरकंदी के गुणों से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।